हेलो एवरी वन वेलकम टू नाउ विल वॉयस डेली कारंट अफेयर्स मॉड्यूल फॉर फिफ्थ ऑफ जून ओके सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्यूलिप विच इज़ द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम सो बेसिकली इट इज़ एन इंटर्नशिप प्रोग्राम ओके प्रोवाइडेड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज़ ओके जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे यू एल बीज एंड स्मार्ट सिटीज़ के उनको ये इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी और वेरियस फील्ड्स में हमको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम रीप कर सकते हैं वेरियस फील्ड्स में ना जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ अम्बर नया रिवर ऑयल स्पिल इन रशिया तो आर्कटिक रीजन में है ये रिवर और इसमें हाल ही में डीजल स्पिल हुआ है ओके डीजल स्पिल हुआ है पावर प्लांट था यहाँ पर उसके जो फ्यूल टैंक था वो नदी में डूब गया तो उसकी वजह से ऑयल स्पिल हुआ तीसरा हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया टू बी इंक्लूडेड इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो अभी तक जापान यूएस और इंडिया के बीच जो नेवल एक्सरसाइज होती थी विच वॉज अ ट्राइलेट्रल नेवल एक्सरसाइज वो अब क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज बनने जा रही है तो उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे नॉ फिफ्थ टॉपिक इज़ लूनर एक्लिप्स एज वी ऑल नो कल लूनर एक हुआ था पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स हुआ था पेनम्बरल अब ये पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स क्या है लूनर एकिप्स वो हम देखेंगे इसमें और दो तरीके के लूनर एक्लिप्स होते हैं एक है अम्बरल लूनर एक एंड द अदर वन इज़ द पार्शियल लूनर एक्लिप्स तो वो हम सब देखेंगे कि बहुत द टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स और एक कब कब और कैसे होता है ना जो लास्ट टॉप है हमारा डेट इज़ विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट किस किस के बीच है तो ये है यू एस और फिलिपीन्स के बीच ओके okay? फिलीपेंस के बीच तो हम ये देखेंगे कि कैसे फ़िलिपीस क्विट करने वाला था बट अब इसने क्विट करने से इस पर रोक दिया है कंटिन्यू करने का फैसला लिया है नाव वी शेल स्टार्ट ओके सर फर्स्ट टॉपिक इज़ द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अर्बन लोकल बॉडीज यू और स्मार्ट सिटीज़ में जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का एक स्कीम है ओके ना ऑब्जेक्टिव एज वी ऑल सी इस फोटो में ही आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू फ्रेश ग्रेजुएट्स टू इनहस देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विथ यू एल बीज एंड स्मार्ट सिटीज़ ओके एंड सेकेंड इज़ हार्नेसिंग फ्रेश एनर्जी एंड आइडियाज़ टवर्ड्स यू एल बीज एंड स्मार्ट सिटीज़ इंडियवर्स टू सॉल्व क्रिटिकल चैलेंजेस तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे ना इससे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो एनहेंस होकर गवर्नमेंट का हमेशा एक एम रहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में तो कम्युनिटी पार्टिसपेशन बढ़ेगा दूसरा जो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट करने वाली हैं तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ़ एच दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तीसरी है ए आई सी टी दैट इज़ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ओके ना इसका हम एम देख चुके हैं कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और ये वैल्यू टू मार्केट इंडियाज ग्रेजुएट्स एंड क्रिएट्स पोटेंशियल टैलेंट पूल इन डाइवर्स फील्ड्स तो डाइवर्स फील्ड्स में आपको जो आपका टैलेंट पूल है वो एनहांस होगा उसका आप और फर्दर स्कलअप कर सकते हैं उसको और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने जब आपको बताया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेश होगा ओके okay? और एम और ए का एक गोल था जो कि वन करोड़ इंटर्नशिप्स उनको प्रोवाइड करनी थी बाय 2025 तो उसके लिए ये स्कीम बहुत ही कंपलसरी है ओके नाउ आई शिल मूव फॉरवर्ड सो अगला जो टॉपिक है हमारा डेट इज़ द अम्बन रिवर ऑयल स्पिल इन रशिया ओके okay? तो रशिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है अपने क्रैसनो यास्क रीजन में ओके इस रीजन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया है वो क्यों क्योंकि ये एक नदी है अमरनाया नदी जो कि आर्कटिक में फ्लो करती है और इसमें अभी हाल ही में ऑयल स्पिल हुआ है ओके और ऑयल स्पिल का जो क्वांटिटी था वो इतना ज़्यादा था, था कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी पड़ी सो बीस हज़ार टन का डीज़ल स्पिल हुआ है इसमें अब ये क्यों स्पिल हुआ है तो उसका रीज़न ये है कि ये जो नदी है वो नॉर्ल्स रीज़न में है ओके नॉर्स्क रीज़न में और ये परमाफ्रॉस्ट का रीज़न है मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है अब वो बर्फ़ क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट होने लगी है आइस इज़ मेल्टिंग ओके okay? सो so, जो पिलर सपोर्ट कर रहे थे फ्यूल टैंक को वो डूब गए और वो जब डूब गए तो ऑयल स्पिल हो गया ओके okay? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉरे रीज़न में ये परमाफ्रॉस्ट होता है आइस रहती है हमेशा और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आइस पिघली और जो फ्यूल टैंक को जो पिलर सपोर्ट कर रहे थे वो डूब गए उसकी वजह से ये ऑयल स्पिल हुआ और बीस हज़ार टनस लगभग डीज़ल नदी में जा चुका है जिसकी वजह से इसका कलर हो गया है क्रिमसन रेड ओके आप देख सकते हैं हम ऊपर फोटो में भी है क्रिमसन रेड कलर की नदी हो गई है अप टू ट्वेल्व किलोमीटर्स बारह किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर गया है डीज़ल ओके नाओ जो बूम ऑप्स्टिकल्स लगाए थे रिवर में वो दे आर प्रूविंग यूजलेस क्योंकि शेलो वाटर्स में ये ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकते तो एक बड़ा कारण ये है कि शेलो वाटर्स है तो इसलिए इसको एड्रेस करना इज़ मोर चैलेंजिंग ओके शेलो वाटर्स नाओ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसको पाँच से दस साल लग सकते हैं ठीक करने में तो इट माइट टेक अ डेकेट तो ये बहुत बड़ा लीक है ओके okay? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया टू बी इंक्लूडेड इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज सो अभी तक मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो होती थी वो होती थी जापान इंडिया एंड यू के बीच में ओके okay? बेसिकली जो ये एक्सरसाइज जब स्टार्ट हुई थी तो ये केवल इंडिया और यू के बीच में हुई थी 1992 में ये स्टार्ट हुई थी एज़ अ बायोलेट्रल नेवल एक्सरसाइज 2015 में जापान ने ज्वाइन किया इन 2015 और फिर ये ट्रायलेट्रल नेवल एक्सरसाइज हो गया अब इसको क्वारोलेटर नेवल एक्सरसाइज बनाने की तैयारी है पहले इसमें नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट्स पहले भी रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर ठीक है अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो हमेशा से इंडिया ने रजिस्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड ना किया जाए वो क्यों क्योंकि चाइना के अपने कंसर्न्स थे कि अगर ये चार कंट्रीज़ आती हैं तो उसको हमारा क्वाड एक चल ही रहा है जो कि एक इनफॉर्मल लेवल पे है ये समिट क्वाड समिट वे ऑल नो क्वाड रिलेटेड ओके ना अगर ये इनको ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट मेम्बर बना लिया गया होता मालाबार एक्सरसाइज का तो चाइना के लिए कंसर्न होता इसलिए इंडिया ने हमेशा रजिस्ट किया है लेकिन अब इंडिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऑनबोर्ड लिया जाए ओके okay? सो so, जो इंडो पैसिफिक में जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने की तैयारी है बहुत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की और इसी के तहत म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट भी ये कुछ टाइम में साइन करने वाले हैं तो लॉजिस्टिक्स में भी आपको हेल्प मिलेगी अगला टॉपिक है हमारा लूनर एक्लिप्स के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि तीन तरीके के लूनर एक्लिप्स होते हैं अम्बरल लूनर एक्लिप्स पेन पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स और पार्शियल लूनर एक्लिप्स ओके सो so, कल जो हमको हमने जो विटनेस किया दैट वाज अ पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स एंड डीज आर वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश नाउ लूनर एक्लिप्स अब होता है तो जब सन अर्थ एंड मून एक ही लाइन में आ जाए तो उस टाइम पर लूनर एकलिप्स होता है जब अर्थ की शेडो मून पे पड़े उस टाइम पर लूनर एक होता है मतलब अर्थ बीच में आएगी सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के ओके जस्ट अपोजिट होता है मून बीच में आता है सन का भी बीच में नहीं आता ओके नाउ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तीन तरीके के जैसे मैंने आपको बताया कि लूनर एक्लिप्स होते हैं अम्बरल लूनर में क्या होता है कि ये जो मून है वो पूरे अम्बरल रीजन में आ जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं तीन तरीके के रीजन्स होते हैं अगर कोई भी शेडो बनती है तो दो तरीके के रीजन्स डेवलप होते हैं एक होता है पेनम्बरल रीजन जो बहुत ज़्यादा डेंस और डार्क नहीं होता है और दूसरा होता है अमरल रीजन जो कि पूरा डार्क होता है तो अमरल रीजन में अगर मून फंसता है तो उसको अमरल लूनर एक्प्स बोलेंगे अगर दोनों रीजन्स में फंसेगा मून पेनम्बरल और अमरल में तो उसको पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे और अगर वो पेनम्बरल रीजन में आता है जैसे कि अगर मान लीजिए वो यहाँ आया तो उसको पेनम्बरल लूनर एक बोला जाएगा ओके तो ये बेसिकली तीन तरीके के मैंने आपको बताया नाउ एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ब्लड मून क्या होता है अब देखिए लाइट स्केटर करता है जो मून रिफ्लेक्ट करता है लाइट को उसको अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है और जब वो स्केटर होती है तो एक पिंकिश ह्यू आता है रेडिश या पिंकिश ह्यू आसमान में आपको देखने को मिलेगा अगर कल आपने आसमान देखा हो रात में तो आपको वो रेडिश या पिंकिश ह्यू मिलेगा ओके तो इस केस में जब पूरा चांद ढक जाता है अर्थ की शेडो में अमरल जो टो होता है टोटल एकप्स जिसको बोलते हैं तो उस केस में आपको ये भी लाल दिखाई पड़ेगा तो डेट इज कॉल्ड ब्लड मून ओके ब्लड मून नाउ तीन टाइप्स ऑफ लूनर एक हम डिस्कस कर चुके हैं ओके okay, और इस बार स्पेशल क्या था सो स्ट्रॉबेरी मून एकप्स इसको बोला गया क्यों क्योंकि जून के टाइम में जब फुल मून को इन साइड होता है तो उस टाइम हारवेस्टिंग सीजन होता है स्ट्रॉबेरीज का अमेरिका में तो इस, इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी मून एकिप्स भी बोला गया एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है वो ये है कि जब भी लूनर इक्लिप्स होगा तो इट वुड बी अ नाइट ऑफ फुल मून फुल मून ही होगा तभी लूनर एक पॉसिबल है फुल मून के बिना लूनर एक पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा टॉपिक था लूनर क्लिप्स के ऊपर ना वी शर्ड मूव फॉरवर्ड ना जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज़ विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट एंड दिस इज बिटवीन फिलिपींस एंड यू एस एज आई हैलरेडी टोल्ड यू तो ये बेसिकली क्या है तो वी एफ इज अ वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट सोफ़ा आप इसको सोफ़ा so याद कर सकते हैं ओके स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट अब ये क्या है ये उन ट्रूप्स पे अप्लाई होता है जो टेम्पोरेरिली होते हैं किसी कंट्री में मान लीजिए यू के ट्रूप्स फिलीपींस में हैं तो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होंगे तो उन पर ये स्टेटस ऑफ़ फोर्सेज एग्रीमेंट अप्लाई होगा अब स्टेटस ऑफ़ फोर्सेज एग्रीमेंट्स होता क्या है तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है कि अगर दूसरे की मिलिट्री किसी की कंट्री में आती है तो वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर एप्लीकेबल होंगे ओके ना यू एंड फिलीपींस की जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी पुरानी है नाइनटीन में इनमें म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी एंड टू में एनहेंस डिफ़ेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ इसी के तहत ये जो विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट है इसको कंटिन्यू करना चाहता है फिलीपींस क्योंकि वी ऑल नो चाइना के जो टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं साउथ चाइना सी में चाइनाज टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑल आर अवेयर अबाउट इट और फिलीपींस नहीं चाहता कि वो अकेला छूट जाए ओके okay? तो इसलिए इसने कंटिन्यू करने का प्लान बनाया पहले ये सोचा था कि क्विट कर देगा बी को बट अब इसने इसको कंटिन्यू करने का प्लान किया है ओके नाउ बोथ यू एस एंड फिलीपींस से वेरी ऑफ बीजिंग सेक्शंस ओके वी ऑल नो साउथ चाइना सी में क्या क्या कंटेंशन हैं चाइना मानता है कि नाइन डैश लाइन ये आप देख सकते हैं नाइन डैश लाइन को मी हाईलाइट ये है नाइन डैश लाइन तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं चाइना बोलता है कि वो हमारी हैं ओके नाउ सबसे जो इम्पोटेंट फिलिपींस और चाइना में कंटेंशन हैं दैट इज़ अबाउट द स्कार्बर वो शुलाल आप देख सकते हैं स्कार्बर वो शुवाल को ओके okay? और स्कारबर वो शुवाल ये है आप इसको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरा है स्पार्टले आई स्पाटले आइलैंड ओके स्पार्टले आइलैंड okay? क्या है स्पार्टले आइलैंड ये है यहाँ पर ये स्पाटले आइलैंड है तीसरा है पैरासल आइलैंड बट इसमें भी चाइना के कंटेंशंस हैं बट वो फिलीपींस के साथ नहीं है कुछ और कंट्रीज के साथ लाइक दिस वियतनाम है ओके ताइवान है तो इनके साथ काफ़ी सारे कंटेंशंस हैं चाइना के और चाइना क्लेम करता है कि ये नाइन डैश लाइन है जो नाइन डैश लाइन तक जितनी भी चीज़ है उस पर उसका आधिपत्य है मतलब वो उनके अंडर आता है तो काफ़ी सारे कंटेंशंस हैं साउथ चाइना सी में और चाइना हमेशा से अपने टेरिटोरियल एंबिशंस को क्लियर करता आ रहा है उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी डेवलप कर लिए वहाँ पर कुछ कुछ हो के अपने पोर्ट्स भी बना लिए हैं कुछ कुछ तो वो काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है हर कंट्री के लिए जो भी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको डल रहता है कि उनको अपनी टेरिटरीज लूज़ न करनी पड़े तो इसलिए जो यूएस के साथ जो पार्टनरशिप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम तो यहाँ हमारा वी भी कवर होता है आज के लिए टॉपिक्स इतने ही थे ओके हम कल मिलेंगे थैंक यू आपको इसकी पी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अब यूट्यूब चैनल प्रेस द बेलकन फॉर एनी फर्दर अपडेट